नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। घरेलू इलाज देखिए, 100% सटीक इलाज देखिए मेरे वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय आपके घर से ही। आज मैं आपको एक सटीक उपाय बताऊंगा, ये है अंजीर से। अंजीर हमारे जीवन में कितनी लाभदायक है और इसके क्या नुकसान हैं और क्या इसके फायदे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये बहुत फायदा करती है। पहले मैं आपको बताता हूं नुकसान। देखिए, जो अंजीर लेते हैं, अगर उनके पेट में दर्द होता है इसको लेने के बाद, बिल्कुल ना लें, वो कभी भी इसका इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर पेट में दर्द होता है, अगर आप दोबारा लेंगे तो आपकी परेशानी और बढ़ेगी। और इसका जो दूसरा नुकसान ये है, जैसे कि जो शुगर वाले हैं, अगर शुगर वाले इसको ले लें तो उनकी शुगर बढ़ेगी, क्योंकि इसमें शक्करा होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें शुगर वाले, क्योंकि अगर वो लेंगे तो उनकी शुगर बढ़ेगी। इसलिए इस अंजीर से बचें। और मैं आपको बताऊंगा अब इसके फायदे, क्या इसके फायदे हैं। फायदे बहुत बहुत हैं, बहुत अच्छे हैं फायदे, क्योंकि लाभदायक ये हर चीज में है। आपके सिर से लेके आपके पैर के अंगूठे तक ये लाभ ही करती है। हृदय के लिए बहुत अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, मोटापा कम करती है, बहुत फायदा करती है ये। लीवर के लिए बहुत अच्छी है, कब्ज नहीं होने देगी, और डाइजेशन जिनकी प्रॉब्लम होती है उसको भी ये ठीक करती है। आंतों में सूजन आना जैसे, वो भी ठीक करती है। मसाने में गर्मी अगर है वो भी ठीक करती है, क्योंकि मसाने में जब गर्मी आ जाती है तो बहुत दिक्कत प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जलन बहुत ज्यादा, पेशाब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बहुत ठीक करती है, फायदा करती है मसाने को, ताकत देती है पूरे शरीर को, पूरे शरीर को ताकत देती है। और इसको आप कंटिन्यू अगर आप इसको करते हैं तो देखिए, लोग चाहते हैं कि 10-15 दिन में पता चल जाए कि क्या करती है, तो कोई फायदा नहीं है। रिजल्ट इसका 10-15 दिन में नहीं आने वाला, कम से कम आप इसको 3-4 महीने कंटिन्यू इसको करेंगे तो आपको फायदा, सब चीजों का फायदा नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको चाहेंगे कि हमें एकदम रिजल्ट मिल जाए, नहीं मिलेगा। इसको आप कंटिन्यू लेते रहें। अब मैं आपको इसकी मात्रा बता दूं कि ये कितनी मात्रा में लेनी है। ये 3 से 4 अंजीर ले सकते हैं। और इसकी जो खासियत जो होती है अंजीर की, क्या आपको कौन सी लेनी है, क्योंकि लोग आप कहीं पर लेने जाते हैं कि ये ले लो येलो कलर में जो आती है, पीले रंग की आती है येलो में, ताजी अंजीर है। देखिए, ताजी अंजीर इतना फायदा नहीं करती है जितनी ब्राउन वाली जो अंजीर होती है, बहुत डार्क ब्राउन होती है वो। काली मत लेना बिल्कुल, कि बिल्कुल ब्लैक हो गई तो बिल्कुल ब्लैक तो वो बिल्कुल खराब हो गई है। आप ब्राउन डार्क लें, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, आप देखना, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके की आपको अंजीर लेनी है और कैसे आपको इसको लेना है। अब मैं ये आपको बता दूं, 3 से 4 अंजीर आप इसको आधा गिलास पानी में 4 अंजीर धो के आप डाल लें। 3 अंजीर 4 अंजीर शुरू में आप 2 डालें, क्योंकि कहीं आपके पेट में दर्द ना हो जाए। अगर आपके पेट में दर्द होता है तो आप अंजीर को बिल्कुल भी ना लें, ये आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। शुरू में 2 डालें, आपके पेट में दर्द नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप 3 या 4 अंजीर आधा गिलास पानी में डालें रात में, उसको ढककर रख दें। सुबह में आपको क्या करना है, उसमें आप आधा गिलास पानी और मिलाइए और उसको आप धीरे धीरे आप पी लीजिए पानी को, जो अंजीर का पानी है, बहुत डार्क हो जाएगा ब्राउन। क्योंकि आधा गिलास पानी में कुछ नहीं होने वाला, लोग आधा गिलास पानी में अंजीर डाल देते हैं और उसको आधे गिलास को पी लेते हैं और जो अंजीर होती है वो
खा लेते हैं, और एक अंजीर के दानों को चबा चबा कर खाएं। जितना आप चबाएंगे उतना आपको फायदा होगा। और एक गिलास पानी आप बनाएं, क्योंकि अंजीर का आधा गिलास जो पानी होगा उसमें आप पानी मिला लें, गर्म पानी बिल्कुल ना डालें। गर्म पानी अगर आपको यूज करना है तो आप सर्दियों में करें, गर्मी में बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये गर्म होती है, इसलिए गर्मी में बिल्कुल भी गर्म पानी में, गर्म दूध में ना लें। अगर दूध में लेनी है आपको, इसको आप रात में आप बना के इसको आप गर्म करके रख दीजिए, और आधा घंटे बाद इसमें शुगर डालिए। जिनको शुगर नहीं है आप आधा घंटे बाद ले सकते हैं, पूरा इसका जो रख होता है पूरे दूध में मिल जाएगा। ये इसका सही तरीका है लेना, और कंटिन्यू इसको करें आप। ये केवल एक ही बार लेनी होती है मॉर्निंग में, और बहुत फायदा करती है। ब्राउन रंग की अंजीर लें। अब मैं बताता हूं शुगर वालों के लिए, शुगर वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको बहुत फायदा होने वाला है। शुगर के लिए आपको कैसे इस्तेमाल करनी है, अंजीर के पत्ते, आप अंजीर के पत्तों का जो है पाउडर बना लें, और जैसे चाय पीते हैं एक गिलास मान लो पानी लीजिए, दो जने हैं पीने वाले तो उसमें आधी चम्मच से भी थोड़ा आधी करें, आधी चम्मच से भी आधी चम्मच उसमें आप पाउडर डालें और उसको आप पिए, आपकी शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल करेगी। शुगर की जिनकी समस्या है वो ठीक होगी, और अपनी जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो आप लेते रहें, और इसको भी आप कर सकते हैं, आपकी शुगर ठीक होगी तो आपकी गोली कम होती चली जाएगी। अंजीर वाले जो खाने वाले हैं, जो कंटिन्यू खा रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं, जो अभी भी खा रहे होंगे आपको जैसे मैंने बताया है ऐसे ही लेना, और वो अंजीर लेना जो मैंने अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ब्राउन वाली, क्योंकि वो बोल देते हैं कि ब्राउन तो खराब है, ये तो अच्छी नहीं है, वो ब्राउन वाली बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत फायदा करती है। येलो जो अंजीर होती है पीले रंग की या बादामी कलर की, वो इतना फायदा नहीं करती जितनी ब्राउन वाली, डार्क ब्राउन वाली फायदा करती है, वो टेस्टी भी होती है। आपको उसमें आप देखेंगे जब वाटर में आपका पूरा पानी जो होगा वो भी ब्राउन हो जाएगा, आधा गिलास पानी में जब आप चार अंजीर को डालेंगे तो आप जैसे सुबह में आप उसको देखेंगे तो आपका पानी भी ब्राउन हो जाएगा, उसमें रेशा उसका पूरा बाहर आ जाएगा। ऐसा येलो जो कलर की अंजीर होती है पीले कलर की, उसमें ऐसा नहीं होता, वो इतना फायदा नहीं करती। इसलिए जो अंजीर खा रहे हैं, जो खाने वाले जो अभी तक खा रहे हैं, वो भी इस बात को समझें, आप ब्राउन कलर की अंजीर लें, और ये आपको इजीली कहीं पर भी मिल जाएगी। अब इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं, अब मैं आगे जाता हूं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए मेरे आयुर्वेदिक उपाय, घरेलू उपाय, सटीक उपाय।